हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज हो गई है तारीख 18 मई 2023 और मैं इवनिंग के टाइम आपसे फिर से एक बार बात करने के लिए आ गया हूं। तो दोस्तों आज जो बात करने जा रहा हूं आपसे वो एक अलग ही टॉपिक पे है। वो टॉपिक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि गाड़ियों पे एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत सारी कैब्स में देखे होंगे कि साइड के जो उसके दरवाजे होते हैं उस पे कंपनियों के प्रचार, कई जगह आपने देखा होगा कंपनियों के प्रचार हो रखे होते हैं जो कि साइड के गेट्स पे होते हैं। तो कंपनियों के प्रचार ड्राइवर करवा लेते हैं, और किस वजह से करवा लेते हैं, क्योंकि उनको होता है एक लालच ही आ जाता है जो कंपनी देती है, और वो बड़ा छोटा और कच्चा लालच होता है। मतलब दरवाज़ों पर ऐड लगाने का पैसा क्या देते हैं वो, 500, 700, 800, 1000, या कोई कंपनी अच्छी है तो वो 1200 रुपये तक दे देती है मंथली कि आप इसको लगा के रखें, आप अपने दरवाज़ों पे एडवर्टीज़मेंट हमारा लगाइए, हम आपको 500 से लेके 1000-1200 रुपये तक आपको वो दे देते हैं। उसमें आपके नंबर वगैरह वो नोट कर लेते हैं और निगरानी रखते हैं, कभी आपको कॉल करके वो फ़ोटो भी मांग सकते हैं कि आप दिखाएं कि आपने उतार तो नहीं दिया कहीं उस एडवर्टीज़मेंट को। तो दोस्तों होता क्या है कि वो एडवर्टीज़मेंट लगाने से गाड़ी वाले को कई तरीके के नुकसान हैं जो कि बहुत गाड़ी वाले कच्चे लालच के चक्कर में कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी बहुत भाई जो अभी इस टैक्सी लाइन में आने वाले हैं, और आप भैया आप देखेंगे कि तो एयरपोर्ट तक पे, एयरपोर्ट की पार्किंग्स तक में ये एडवर्टीज़मेंट लग रहे हैं, और एडवर्टीज़मेंट भी किन कंपनियों के, ऊबर ओला जैसे खुद टैक्सी कंपनियां जो हैं लगवा रही हैं, 500 रुपये 700 रुपये दे करके मंथली का वो एडवर्टीज़मेंट लगवा लेती हैं। अब आप सोचेंगे एडवर्टीज़मेंट में ऐसा गलत क्या है, अगर 500-700 रुपये महीना फ्री का मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। भाई एक चीज़ बताओ, 10-10 लाख रुपये की गाड़ियाँ, 9-9 लाख रुपये की गाड़ियाँ ले करके, महंगी महंगी ऑरा, महंगी महंगी डिज़ायर ले लेके, क्या 500-700 रुपये के लिए गाड़ी को जोकर बनाना है क्या? 500-700 रुपये के लिए गाड़ी को बिल्कुल जोकर वाली बात हो जाती है, बिल्कुल ही साइड में पूरा प्रचार कंपनी का, जैसे कि कोई होर्डिंग लगे होते हैं सड़कों पर। तो बहुत गाड़ियाँ, मुझे तो सड़कों पर आजकल बहुत गाड़ियाँ दिख रही हैं, एडवर्टीज़मेंट जोरों शोरों से चल रहा है इस समय दिल्ली NCR में, तो बाकी शहरों का मुझे पता नहीं, होता हर जगह ही होगा। तो जोकर बना देते हैं गाड़ी को यार बिल्कुल ही, और ड्राइवर भाई कर रहे हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनकी गाड़ियाँ जैसे ठेके पर दे रखी हैं कहीं, या उस पर चल रही है ना, जरा जैसे किसी ने ओनर नहीं है, कोई ड्राइवर चला रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ को और ज़्यादा कर रहे हैं। तो थोड़े से लालच के लिए 500-700 हज़ार रुपये के लिए गाड़ी को एक तो जोकर ना बनाए। दूसरा नुकसान क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, कि आपका कट सकता है चालान, एडवर्टीज़मेंट पे चालान होता है, कहीं पर भी एडवर्टीज़मेंट अलाउड नहीं है। तो आपको क्या होगा दोस्तों, जब आप इस पर एडवर्टीज़मेंट लगवाएंगे तो आपको दिल्ली पुलिस या कहीं की भी पुलिस जब आपको रोकेगी तो वो आपसे कहेगी भाई दिखाओ परमिशन दिखाओ कि एडवर्टीज़मेंट लगा रखा है। तो होता क्या दोस्तों, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, आपने देखा होगा आपके शहरों में भी जो नगर निगम होते हैं या कहीं हैं, उनकी परमिशन के बगैर सड़कों पर होर्डिंग तक नहीं लग सकते, एडवर्टीज़मेंट का जिम्मा उनका होता है। तो वो होता क्या है, कंपनी को परमिशन लेनी होती है, जो भी कंपनी प्रचार करवा रही है उसको परमिशन लेनी होगी कि भाई मैं इतनी गाड़ियों पर प्रचार कर रहा हूँ। आपने देखा होगा आपके लोकल में जो नगर निगम होते हैं, वो अगर जो मतलब जितने भी किसी कंपनी ने प्रचार करना है, खंबे पे होर्डिंग लगाना है, तो वो स्टैंप लगा देते हैं। अगर आपने कहा 50 होर्डिंग लगना है तो 50 स्टैंप होनी चाहिए, ताकि उनके जो बंदे घूमते रहते हैं नगर निगम के, वो स्टैंप देख करके उस होर्डिंग को छोड़ दें कि इसका पैसा पे हो चुका है नगर निगम को। तो दोस्तों कंपनी अगर परमिशन ली भी होगी ना, इन ऊबर ओला या कोई भी शैम्पू तेल साबुन कोई भी कंपनी ने परमिशन ली भी होगी, तो वो थोड़ी चीज़ों की ली होगी कि इतने ही लिमिटेड करेंगे, लेकिन ये तो धड़ल्ले से गाड़ियों पे, हजारों गाड़ियों पे लगवा डालते हैं। तो इसलिए परमिशन ये आपको देंगे नहीं। कायदा ये बनता है कि अगर कोई भी कंपनी आपसे ये कहती है कि एडवर्टीज़मेंट भाई लगवा लो गाड़ी पे, तो आपको सीधे उनसे कहना भाई पहले तो मुझे जो परमिशन का जो है ना वो लेटर की कॉपी दो, चाहे फ़ोटो आप फ़ोन में ले लो उनसे कॉपी, फ़ोटो कॉपी ले लो या फ़ोन में सॉफ्ट कॉपी ले लो व्हाट्सएप पे या कैसे भी, ताकि आप कोई पुलिस वाला दिखाए तो आप उसको परमिशन दिखा सको कि भाई ये अलाउड है, लीगल है भाई, इसकी परमिशन ले रखी है मैंने, तो आपका चालान नहीं कटेगा। अच्छा चालान इसमें ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इसमें ओनली 100 रुपये का चालान है, और चालान आपका कैश का कटेगा, कोई कोर्ट का चालान नहीं कटेगा। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, एक तो साइड के दरवाज़ों पे जो ये जो प्रचार होता है, जो स्टीकर लगा दिए जाते हैं, एक इसका चालान है, और एक जो आपने देखा होगा पीछे वाले शीशे पे आपने देखा होगा नेट की जाली जैसी होती है, तो दोस्तों उस पर भी चालान है। वो भी बहुत सारी कंपनियाँ छोटे छोटे लालच में या कैसे भी आप लगवा लेते हो, उस पर पीछे कंपनी का प्रचार हो रहा होता है, पीछे वाली गाड़ी से जो आएगी उसको दिखेगा कि अरे कंपनी है, तो उस पर भी चालान है। चालान ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये का चालान है, लेकिन पुलिस वाले जहाँ जहाँ मिलते जाएंगे आपको चालान काटते जाएंगे। लक्की हो सकता है ना कटे, उनकी नज़र ना पड़े, या चूक जाओ आप उनके सामने से निकल जाओ, पता ना लग पाए, लेकिन जैसे उनके हत्थे चढ़ोगे खासकर एयरपोर्ट वगैरह पर,
आपका 100 रुपये का चालान कटना निश्चित है। और ये कंपनी आपसे ये कहेंगी अगर चालान कटता है तो हम भरेंगे, लेकिन आप एक बार कह के तो देखो कि चालान आप भर दो। 100 रुपये के चालान के लिए ना आप इतनी मगजमारी करोगे और ना कंपनी आपको इतना एंटरटेन करेगी। तो मेरा तो यही कहना दोस्तों, अगर लेटर है तो भी इस चीज़ को लगाना बेकार है यार। यार क्यों, देखो घर पे गाड़ी खड़ी करते हो, जोकर क्यों बनाना है गाड़ी को, एकदम जोकर जैसी गाड़ी लगती है बिल्कुल। जो भी नए ड्राइवर्स या पुराने ड्राइवर्स जो भी दिल्ली NCR या कहीं पर भी चला रहे हैं, विज्ञापन ना लगवाएं यार। एक ट्रिप का पैसे के लिए पूरे महीने के लिए गाड़ी आप पे आप स्टिकर लगवा देते हो, लेकिन कई ड्राइवर कहते हैं यार हम तो इसको उखेड़ के फेंक देंगे। अरे यार उसको पहले लगवाओगे 500 रुपये, चलो 700 रुपये ले भी लिया, फिर पूरे स्टिकर छुटाओगे, फिर उसकी चेपी लगी रह जाएगी उसके ऊपर, तो उसका क्या बेनिफिट है यार। छोटा कच्चा लालच कभी ज़िंदगी में मत करना, बहुत परेशान हो जाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये एडवर्टाइजमेंट की मैंने जानकारी आपको दे दी है, ये अपनी गाड़ी पर ना लगवाएं कहीं पर भी टैक्सी लाइन में, क्योंकि ये एक प्रचार गाड़ी नहीं है भाई, ये रोजी रोटी है। 500-700 रुपये के नहीं, हम यहाँ पे मोटा गेम खेलने के लिए आए हैं, हम 500-700 रुपये के लिए ऐसे मतलब फ्लैट नहीं हो जाएंगे इनके ऊपर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, एडवर्टाइजमेंट से बचें दोस्तों। और ये जानकारी अगर पसंद आई हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।